नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत बड़ी सेविंग स्कीम और बहुत कॉमन सेविंग स्कीम सुकन्या समृद्धि अकाउंट की। आज का ये वीडियो एक नए रूप में पेश हो रहा है। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि ये नया तरीका हमारा वीडियो बनाने का आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, जानते हैं कि SSA यानी कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट क्या है, ये कैसे काम करती है। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि अकाउंट भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक सेविंग स्कीम है जो कि स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए चलाई गई है। इसकी हिस्ट्री क्या है ये जान लेते हैं। 22 जनवरी 2015 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी और ये स्कीम लॉन्च की गई थी अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत। चलिए इन चीज़ों में ज़्यादा ना पढ़ते हुए स्कीम के डिटेल्स को जानते हैं कि ये स्कीम काम कैसे करती है। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि अकाउंट केवल बेटी के नाम पर किसी भी ऑथोराइज्ड बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। इसमें आप 1,000 रुपये मिनिमम से लेकर 1.5 लाख रुपये मैक्सिमम हर फाइनेंशियल ईयर में जमा करवा सकते हैं, जो कि आपको 15 साल के लिए जमा करवाने होते हैं। 16वें साल से 21वें साल तक आपको इसमें कोई रकम जमा नहीं करवानी होती है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको इस पर मिलता है और ये इंटरेस्ट रेट इसका गवर्नमेंट टाइम टू टाइम अनाउंस करती रहती है। और 21 साल पूरे होने के बाद आप गर्ल चाइल्ड जो है अपने सारे पैसे उसमें से ले सकती है। अकाउंट खोले जाने के बाद 21 साल पूरे होने से पहले अगर गर्ल चाइल्ड की शादी होती है तो ये अकाउंट प्री मैच्योर करवाया जा सकता है। फीचर्स क्या हैं इसके दोस्तों? सुकन्या समृद्धि अकाउंट केवल सुकन्या के लिए है। जी हाँ, यानी गर्ल चाइल्ड के लिए, बॉय चाइल्ड से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बॉय चाइल्ड का ये अकाउंट नहीं खोला जा सकता। भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना है, इसलिए ये पूरी तरह से सेफ है और इसके रिटर्न जो हैं 101% गारंटिड है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इनकम टैक्स में बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं जिनको इस वीडियो में आगे जाकर हम आपको डिटेल में बताएंगे। आज के दिन यानी कि जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है दोस्तों, तो ये सरकार द्वारा चलाई गई सेविंग स्कीम में से सबसे अच्छे इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करती है और इसमें पार्शियल विड्रॉल भी अलाउड है। यानी कि हायर एजुकेशन गर्ल चाइल्ड की जब होती है तो आप इसमें से कुछ रकम निकाल सकते हैं और फुल विड्रॉल मैरिज टाइम पर आप कर सकते हैं। इनकम टैक्स बेनिफिट्स की बात हम पहले कर लेते हैं दोस्तों। ये EEE यानी कि एग्जेम्प्ट कैटेगरी के अंडर आती है। अब इसमें क्या है, डिपॉजिट 1.5 लाख रुपये मैक्सिमम जो हर साल होना है वो इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंडर पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। इंटरेस्ट इसका जो आपको मिलता है वो भी टैक्स फ्री है और मैच्योरिटी अमाउंट जो आप पाते हैं वो भी 100% टैक्स फ्री होती है। सो इस स्कीम पर किसी तरह से कोई इनकम टैक्स का बोझ नहीं है, रादर 1.5 लाख रुपये का हर साल आप फ़ायदा ले सकते हैं। कौन ये अकाउंट खोल सकता है? दोस्तों, ये अकाउंट खुलता है गर्ल चाइल्ड के नाम पर जिसको के उसके पेरेंट्स या लीगल गार्डियन खोल सकते हैं। और ये अकाउंट अडॉप्टेड यानी कि गोद ली हुई गर्ल चाइल्ड के लिए भी खोला जा सकता है। अकाउंट खोलने के लिए सबसे ज़रूरी बात है कि गर्ल चाइल्ड की उम्र मिनिमम 0 ईयर्स या कह लीजिए 1 डे एंड मैक्सिमम 10 ईयर्स, 1 दिन से लेकर 10 साल तक की गर्ल चाइल्ड का आप ये अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अंदर गर्ल चाइल्ड जो है दोस्तों वो अकाउंट होल्डर माना जाता है और पेरेंट या गार्डियन जो हैं वो लीगल डिपॉजिटर माने जाते हैं अकाउंट में। दोस्तों, इसमें थोड़ी ग्रेस दी गई थी स्टार्टिंग में स्कीम की कि जो बच्चे 2/12/2003 के से लेकर के 1/12/2004 के बीच में पैदा हुए हैं उनको परमिशन था कि वो 1/12/2015 तक भी अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन अब ऐसा कोई ग्रेस पीरियड नहीं चल रहा है। कितने अकाउंट खोल सकते हैं दोस्तों? एक गर्ल चाइल्ड के नाम ऑब्वियसली एक ही अकाउंट अलाउड है और यदि आपकी 2 बच्चियां हैं तो आप 2 अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन यदि आपकी 3 बच्चियां हैं तो आप
फिर भी दो ही अकाउंट खोल सकते हैं, तीन अकाउंट तब अलाउड नहीं होंगे, यानी कि मैक्सिमम टू अकाउंट्स फॉर टू डिफरेंट गर्ल चिल्ड्रन अलाउड हैं। हाँ, इसकी कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं दोस्तों, कि मोर देन टू अकाउंट्स अलाउड होते हैं अगर ये तीन बच्चियाँ, तीन गर्ल चाइल्ड जुड़वा पैदा होती हैं एक ही बार में, तो आप तीन अकाउंट खोल सकते हैं। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर एक पहले से गर्ल चाइल्ड है, दूसरे इशू के अंदर जुड़वा गर्ल चाइल्ड हो जाती हैं, तो भी आप तीन अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन अगर पहले से दो लड़कियाँ और एक लड़की और पैदा होती है, तो तीसरी बच्ची का आप अकाउंट ये वाला नहीं खोल पाएंगे। दोस्तों, कहाँ खोला जाए ये अकाउंट? इसके लिए सभी सरकारी बैंक और कुछ प्राइवेट बैंक्स भी ऑथोराइज्ड हैं, और भारत सरकार के सभी पोस्ट ऑफिसेज में ये अकाउंट खोला जाता है। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या रिक्वायर्ड होंगे? सबसे पहले तो गर्ल चाइल्ड का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, पेरेंट्स या लीगल गार्डियन का आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, और उसका एड्रेस प्रूफ भी चाहिए। डिपॉजिट लिमिट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी एक अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर की 31 मार्च तक, एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 1,000 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये आपको जमा करवाने हैं। लेकिन इसमें आप चाहे 365 दिनों में 365 बार रकम जमा करवाइए, चाहे 1.5 लाख रुपये जो मैक्सिमम लिमिट है वो एक ही बार जमा कर दीजिए, आप एक महीने में 10 बार जमा करवाएं या 10 महीनों में 2 बार जमा करवाएं, किसी तरह से कोई लिमिट नहीं है। नंबर ऑफ़ डिपॉजिट्स का कोई इसमें इशू नहीं है। हाँ, एक बात यहाँ जान लीजिए दोस्तों, कि अगर आप गलती से या जानबूझकर किसी भी तरह से एक साल में 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा जमा करवा देते हैं, तो उस 1.5 लाख से ऊपर वाली रकम के ऊपर आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, और उस रकम को आप किसी भी समय बिना ब्याज के अपना वापस ले सकते हैं। डिपॉजिट पीरियड की बात अगर करें, तो डिपॉजिट आपको करवाना है केवल पहले 15 सालों के लिए। और एक बात यहाँ ज़रूरी है कि एक साल में कम से कम एक डिपॉजिट मिनिमम 1,000 रुपये का होना ही चाहिए। और दोस्तों, 15 साल पूरे होने के बाद आप इस अकाउंट में रकम और डिपॉजिट नहीं करवा सकते। 15वें साल से लेकर 21वें साल तक रकम अकाउंट में रहेगी, और आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, लेकिन आप उसमें और प्रिंसिपल अमाउंट जमा नहीं करवा सकते हैं। यहाँ ये जान लेना ज़रूरी है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कि पहले डिपॉजिट पीरियड 14 साल का था, मार्च 2016 के बाद इसको 15 साल कर दिया गया है। अब जानते हैं कि कैसे कैसे हम इसमें पैसे जमा करवा सकते हैं। ऑब्वियसली सर, कैश जमा करवाइए, आप चेक दीजिए, डिमांड ड्राफ्ट बनवाइए, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कीजिए, सभी वेज के जरिए आप इसमें पैसे जमा करवा सकते हैं। अब कैश देंगे तो आपका जो इंटरेस्ट आपका उसी दिन से लगना स्टार्ट हो जाएगा, डिपॉजिट डेट वही मानी जाएगी। चेक होगा तो ऑब्वियसली के चेक क्लियरिंग डेट जो होगा उस डेट से डिपॉजिट माना जाएगा। ये सब बातें आपको मालूम है। इनएक्टिव अकाउंट, अब ये क्या होता है? अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 1,000 रुपये भी आप जमा नहीं करवाते हैं, जो मिनिमम अमाउंट है, तो आपका अकाउंट इनएक्टिव अकाउंट बन जाता है। अब इस अकाउंट को रीएक्टिवेट करने के लिए क्या करना होगा? रीएक्टिवेट करने के लिए, एक सबसे पहले तो आपको 1,000 रुपये पर फाइनेंशियल ईयर उसका, 50 रुपये पर फाइनेंशियल ईयर उसका फ़ाइन भरना होगा, प्लस वो मिनिमम अमाउंट जो 1,000 रुपये है वो भी आपको पे करना होगा। एग्जाम्पल के ज़रिए अगर आप इसे समझना चाहते हैं, तो समझ लिए, मानिए कि आपका अकाउंट 4 साल से इनएक्टिव पड़ा हुआ है, तो आपको पेनल्टी हर साल की 50 रुपये, इन जो कि 4 साल के लिए हो जाती है 200 रुपये, और मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट 1,000 × 4 कि 200 × 4,000 4,400 रुपये जमा करवा के आपका अकाउंट रीएक्टिव हो सकता है। अकाउंट ओपनिंग के 15 साल तक भी अगर उसको रीएक्टिवेट आप नहीं करते हैं, तो ये अकाउंट उसके बाद एक्टिवेट नहीं हो सकता है। ये अकाउंट 21 साल पूरे होने तक सिर्फ पोस्ट ऑफिस में, जो जिस समय पे सेविंग इंटरेस्ट चल रहा होगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको उसका इंटरेस्ट मिलेगा, जो लगभग 4% के आसपास हमारे देश में रहता है। इसलिए इस मिनिमम डिपॉजिट का ध्यान आप ज़रूर रखें। इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं दोस्तों? बहुत जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है, करंट रेट इसका
चल रहा है 8.10%, लेकिन उम्मीद है कि इस क्वार्टर में 8.50% हो जाएगा, जैसे कि खबरें आ रही हैं। वीडियो रिकॉर्ड होने तक ये 8.10% ही चल रहा था। अब आगे क्या है ये हमें कह नहीं सकते, लेकिन हम यहाँ पे ये ज़रूर उम्मीद जता सकते हैं कि सितंबर 20th के आसपास इसका जो अनाउंस्ड नेक्स्ट रेट होने वाला वो 8.50% पर एनम हो सकता है। 1 अप्रैल 2016 से रेट क्वार्टरली अनाउंस होते हैं, पहले ये ईयरली अनाउंस हुआ करते थे, और इसका इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होता है, हर क्वार्टर के बाद गवर्नमेंट अनाउंस करती है, और जो नया रेट अनाउंस होता है वही आगे आने वाले टाइम के लिए एप्लीकेबल होता है। कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है दोस्तों? दोस्तों इसकी कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी है ईयरली, यानी कि इंटरेस्ट आपको एक साल में जितना मिल गया उसके बाद इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट आपको एक साल के बाद मिलेगा। मंथली इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है वो आपके ऑन द बैलेंस एट द 10th डे ऑफ एवरी मंथ और एंड ऑफ मंथ, जो दोनों में से कम हो। एग्जाम्पल के ज़रिए समझना ज़रा आसान रहेगा दोस्तों, कि समझ लीजिए आपके पास 5,000 रुपये हैं 10 तारीख को आपने अकाउंट में डाल दिए, आपने 20 को 5,000 रुपये और जमा करवा दिए, एंड मंथ पर आकर आपका बैलेंस तो 10,000 है पर इंटरेस्ट 5,000 पर ही मिलेगा, क्योंकि 10 को 5,000 रुपये आपका बैलेंस था, जो कि उसका अगली 30 को जो महीना ख़त्म हो रहा है उससे कम है, जो दोनों में से कम अमाउंट वाला डे होगा उसका मिनिमम बैलेंस उठा करके उस पर आपको उस महीने के लिए इंटरेस्ट दिया जाएगा। मैच्योरिटी पीरियड की बात करते हैं दोस्तों, ये अकाउंट 21 साल के लिए खोला जा सकता है। 100% विद इंटरेस्ट गर्ल चाइल्ड को ये 21 साल के बाद अमाउंट मिल जाती है। पैसे लेने के लिए आपको आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और इंडियन सिटीजनशिप का प्रूफ भी देना होता है। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि NRI अगर हो जाते हो तो उसके रूल्स थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। गर्ल की उम्र 21 साल होने से अकाउंट की मैच्योरिटी का कोई लेना देना नहीं है। ये सवाल आम तौर पे पूछा जाता है कि जब बच्ची 21 साल की हो गई है क्या तब ये अकाउंट मैच्योर हो सकता है? नहीं, अकाउंट की उम्र 21 साल यानी कि अकाउंट खोलने से लेके उसके बाद 21 साल जब पूरे हो जाएंगे उसको अकाउंट मैच्योरिटी की डेट माना जाएगा। मैरिज बिफोर मैच्योरिटी, जी हाँ, आप अपने सुकन्या समृद्धि अकाउंट का पूरा पैसा ब्याज सहित तब वापस पा सकते हैं अगर बच्ची की शादी तय हो जाती है। इसके लिए आपको शादी से एक महीना पहले या शादी के बाद 3 महीने तक का समय है। इस 4 महीने के अंतराल में आप अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस को बताइए और अपनी पूरी रकम ले लीजिए। इसके लिए आपको 18 साल का बच्ची का एज प्रूफ चाहिए होगा, यानी कि वो बालिग है, इसका एज प्रूफ चाहिए होगा, और ये जो बालिग होना है उसका डेट ऑफ मैरिज के दिन वो 18 साल की मिनिमम एज हो उसके ऊपर डिसाइडेड है। इसलिए 18 साल की जब बच्ची हो जाती है तो आप मैरिज करने लगे हैं और अपने पूरे पैसे वापस पा सकते हैं। एट मैरिज अकाउंट क्लोजर नॉट कंपलसरी, ये आपके इच्छा है कि आप मैरिज के समय पैसे अपने वापस लेना चाहते हैं, अकाउंट को बंद करना चाहते हैं, नहीं तो आप इसको कंटिन्यू रख सकते हैं। और एक बात यहाँ जान लेते हैं कि 21 साल की अकाउंट की जो टेन्योर है वो पूरा हो चुका है, लेकिन उसके बाद मान लीजिए आपने और एक साल तक भूल गए या किसी वजह से अकाउंट क्लोज़ नहीं करवाया, तो उस एक साल के लिए आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। जो 21 साल के एंड पर आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कैलकुलेटेड होता था वही रकम आपको 22 साल बाद भी मिलेगी। पार्शियल विड्रॉल की क्या फैसिलिटीज़ हैं दोस्तों? जी हाँ, इसमें पार्शियल विड्रॉल अलाउड हैं। बच्ची जब 18 साल की हो जाए या फिर 10th क्लास पास कर चुकी हो तो हायर एजुकेशन के लिए उसको इसमें से कुछ रकम निकालने की परमिशन होती है, और वो रकम निकालने के लिए आपको एडमिशन ऑफिस जो उसका है उसने जो एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स दी हैं, जो पे स्लिप वगैरह फ़ीस स्लिप जो आपको मिली है वो पेश कर दीजिए और आप अपना उसमें से विड्रॉल कुछ रकम कर सकते हैं। अब कितनी रकम निकाल सकते हैं ये भी समझ लेते हैं।
पिछले फाइनेंशियल ईयर के बैलेंस का 50% रकम या एक्चुअल एडमिशन फीस जो आपने पे करनी है, इन दोनों में से जो कम होगा उतनी रकम आप इसमें से पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए दोस्तों, पिछले फाइनेंशियल ईयर का जो आपका सुकन्या समृद्धि अकाउंट का बैलेंस है उसका 50% यानी कि आधा, या आज जो आपने फीस पे करनी है उसका, इन दोनों में से जो कम है वो आपको मिल सकता है। प्री मेच्योर क्लोजर आप समय से पहले बंद करवाना हो तो क्या कंडीशंस हैं, इन अनफॉर्चुनेट इन केस ऑफ गर्ल चाइल्ड्स डेथ ये अकाउंट पहले बंद किया जा सकता है। लड़की NRI हो जाती है या किसी और देश की नागरिक हो जाती है तब यह अकाउंट पहले बंद किया जा सकता है, या एक्सट्रीम डिफ़िकल्टीज इन मेंटेनिंग दिस अकाउंट, बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थितियों में जिस जो बैंक के लिए मान्य हो उसे विपरीत परिस्थितियों की डेफिनेशन में रखा गया है तो तब यह अकाउंट आप बंद कर सकते हैं। डेथ के अलावा प्री मेच्योर 5 साल से पहले नहीं हो सकता। आप कुछ भी, चाहे लड़की NRI हो गई है, चाहे किसी और देश की नागरिक हो गई है, या आप अकाउंट मेंटेन करने की क्षमता नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन किसी भी कंडीशन में 5 साल से पहले, अकाउंट ओपनिंग के 5 साल से पहले अकाउंट बंद नहीं किया जा सकता है। सिर्फ इन केस ऑफ डेथ ये तत्काल में बंद किया जा सकता है। दोस्तों इस अकाउंट पर किसी किस्म का कोई लोन नहीं मिलता है। अक्सर सेविंग स्कीम्स में लोन मिलता है, PPF में, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, लेकिन इसमें नहीं मिलता है और ना ही इसमें कोई नॉमिनेशन अलाउड है। गर्ल चाइल्ड की फ्यूचर सेफ्टी के लिए बनाया गया है, कोई उसके पैसे हड़प ना कर ले इसमें, इसलिए नॉमिनेशन अलाउड नहीं है। डेथ ऑफ द गर्ल चाइल्ड के केस में अमाउंट डिपॉजिटर को वापस मिल जाता है, पेरेंट या लीगल गार्डियन को डिपॉजिटर माना जाता है, ये याद रखना ज़रूरी है। पासबुक मिलती है दोस्तों इसके अकाउंट में, जिसमें कि गर्ल चाइल्ड का अकाउंट नंबर, उसका नाम, एज, एड्रेस प्रूफ, गार्डियन का एड्रेस प्रूफ, सब डिटेल्स होती हैं। डुप्लीकेट पासबुक भी आपको मिल सकती है दोस्तों। अकाउंट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक बैंक से दूसरे बैंक में, एक बैंक से पोस्ट ऑफिस में, या पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे बैंक में, किसी भी तरह से इस पर कोई रोक टोक नहीं है। NRIs दोस्तों ये स्कीम नहीं ले सकते हैं। हाँ, अगर आफ्टर टेकिंग दिस स्कीम कोई NRI बन जाता है तो आपको सर्टेन कंडीशंस जो हमने पीछे उसकी बता दी है, ये अकाउंट क्लोज होना ही चाहिए। दोस्तों इस सारे स्कीम को, सारी डिटेल्स को एक छोटे से एग्जांपल के ज़रिए समझाने के बाद हम इस वीडियो को क्लोज करेंगे। समझ लीजिए कि डिपॉजिट करवा रहे हैं हम 10,000 रुपये, और यहाँ भर लेते हैं कि 8.10 जो आज का इसका करंट इंटरेस्ट रेट है। एज भरते हैं यहाँ पर लेस देन 1 ईयर। मंथली डिपॉजिट करवा रहे हैं 10,000 रुपये हर महीना। टोटल डिपॉजिट देखिए, यहाँ कैलकुलेट करते हैं, टोटल डिपॉजिट हमने करवाया है 18,00,000 रुपये। इंटरेस्ट हमें मिल गया है 21 साल बाद 36,70,000 रुपये के लगभग, और टोटल मैच्योरिटी अमाउंट जो मिलेगी लगभग अमाउंट बनेगी 54,70,000, 54,70,000। आगे हम आपको अभी इसकी देखिए, ये आपके सामने वीडियो पर इसका ग्राफ भी आ रहा है, और हम इसको यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने यहाँ मंथली डिपॉज़िट ना करवा करके इसको अगर ईयरली डिपॉज़िट करवाते हैं, ये सब डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इनमें ज़्यादा हमें वर्बली एक्सप्लेन करने की ज़रूरत शायद नहीं है। दोस्तों सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में या किसी और सेविंग स्कीम के बारे में अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछिए। हमारी नॉलेज के में जो भी चीज़ होगी वो हम आपको जवाब ज़रूर देंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नॉलेज वाली सेंसिबल वीडियोज़ आप तक रेगुलर पहुँचती रहें। कोई भी सवाल पूछने से झिझके नहीं। देखते रहें आपका अपना चैनल डिफरेंट मूड्स। थैंक यू।